नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हो, जब भी आप सूट ले रहे हो तो इस तरह के आपको प्लाजो मिल जाते हैं। ये कढ़ाई वाला, पूरे कढ़ाई वाले प्लाजो होते हैं। सिंपल सूट पे भी आजकल यही सब मिल रहा है। तो बस इसी में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस प्लाजो की कटिंग। और खुली प्लाजो है यहाँ तक, ये देखिए, आजकल जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगा कि बस आप लोगों को बताना चाहिए कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये कपड़ा है जिसमें मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। तो ये हमने दो पर्द का रखा हुआ है कपड़े को, तो इसको एक बार और मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया। और अब मैं ले रही हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई यहाँ मैं 37 इंच ले रही हूँ। और थोड़ी दूर पे और आप लंबाई का निशान ले लोगे आसन की सिधाई पे। तो यहाँ से भी 37 इंच ली हूँ। और अब दोनों निशान को मैं मिला लूँगी। तो कमर हमें रखना है 13 इंच, तो मैं यहाँ 13 इंच कमर रख रही हूँ इस तरह से। 13 इंच हमने कमर ले लिया। और अब मैं लूँगी आसन। तो यहाँ पे आसन में 14 इंच रख रही हूँ। ज़्यादा हेल्थी है कोई तो आप 16 भी रख सकते हो। और इधर से आप रखोगे 16 इंच आसन की सिधाई पे, इधर से 16 इंच। तो ये देखिए मैंने कमर पे 13 रखा। और अब मैं आसन पे भी 13 इंच का एक निशान और लगाऊंगी और दोनों निशान को मिला दूंगी इस तरह से। और फिर मैं यहाँ से हल्की सी गुलाई दे दूंगी। और अब मैं लूँगी पहुँचे। तो पहुँचे भी मैं 13 इंच रखूँगी इस तरह से। और 1.5 इंच मैं प्लस कर लूँगी जो सिलाई में जाएगा। यहाँ से रखने के बाद ये दोनों को भी मिला लूँगी। और यहाँ से भी हल्की सी गोल शेप में इसको गुलाई दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है निशान। तो अब मैं ऊपर की तरफ 2 इंच के पे निशान लगाऊँगी जिसमें हमें इलास्टिक लगाना है। ये देखिए इलास्टिक इसमें लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आपको ये भी एक निशान लगा के बता देती हूँ। जो सिलाई होगी इससे थोड़ा सा फालतू ही काटना है। जो हमारा पहला निशान है उस पर हमें सिलाई लगानी है। और ये दूसरे पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमको कट करना है। ये देखिए ये हमारा प्लाजो कट के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं एक कट लगा लूँगी जो कि ये निशान मिट जाए तो भी पता रहे हाँ हमें यहाँ से इलास्टिक करनी है। तो चलिए अब सिलाई करते हैं। ये देखिए मैं मशीन पे आ गई हूँ, अब चलती हूँ सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले हमें पहुँचे को जोड़ना पड़ेगा इस तरह से। तो हम इधर से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इधर से जोड़ने पे पैरों पे खींच पड़ती है जिससे सलवार उठे उठे से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको आसन की तरफ से जोड़ना पड़ेगा। आसन से जोड़ने से ये होता है कि उठे नहीं होते। तो इस तरह से आपको अच्छे से बराबर करके आसन पे इस तरह से सिलाई लगानी है। आसन से लेके पैरों तक सिलाई लगाना है। यहाँ मैं पक्का कर दे रही हूँ। एक पैर का जुड़ गया, अब इसी तरह से आपको दूसरे पैर का जोड़ना है। तो ये देखिए मैं दूसरे पैर का भी जोड़ लेती हूँ। तो मेरा दोनों पैरों का जुड़ गया है प्लाजो। तो अब मैं जोड़ूंगी आसन। तो सबसे पहले आसन देखिए सीधे की तरफ रख देना है आसन को निकाल के।
और इसके ऊपर से दूसरे पैर का जो है उसको भी सीधे के ऊपर सीधे रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे आधे इंच की दूरी पे। और ये अब आसन के पास आ गई हूँ मैं। आसन के पास इस तरह से जोड़ना है। तो ये मैंने आसन को जोड़ लिया। इस तरह से आपको भी जोड़ना है। आप लोग देख सकते हैं आसन जुड़ गया है बिल्कुल भी। अब इसमें सिर्फ लास्टिक लगाने का काम रह जा रहा है। तो ये देखिए निशान लगा हुआ है। तो ये लास्टिक मैं ले ली हूँ। तो अब मैं लास्टिक को सबसे पहले सिल लूँगी। तो इस तरह से सिल के और सलवार को उल्टा रखना है और सलवार उल्टा करके इसके बीच में इसको लास्टिक को डाल देना है इस तरह से। डालने के बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं पे ही रखना है। रखने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके लास्टिक को अंदर करके सिलाई लगानी है। और इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है। और जब आपको ये लास्टिक छोटी पड़ने लगेगी कपड़ा ज़्यादा, इस तरह से उठा के ऐसे खींच के निकाल लेना है लास्टिक, ठीक है। लास्टिक क्योंकि बाद में करते करते छोटा पड़ जाता है, और जब आप खींच के निकाल लोगे फिर इसके बाद इस तरह से रखी जाओगे सिलाई लगाई जाओगी। ये देखो मैं फिर खींच के निकाली हूँ। इस तरह से आप देखिए थोड़ा सा रह गया है। तो इसको इस तरह से मैं खींच के इस पर भी सिलाई लगाऊंगी। ये देख सकते हैं आप इस तरह से खींच के अंदर हो गया लास्टिक, और अब मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया, लास्टिक को जोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें अभी एक सिलाई और लगाऊंगी। तो ये आप लोग ये सब देख सकते हैं सिकुड़ा है। तो इसको खींच खींच के इसको अच्छे से सारा जो सिकुड़न है उसको चारों साइड में कर देना, ठीक है। ये नहीं हो कि इकट्ठा हो जाए, फिर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से मैंने ये देखो खींच के बढ़ा देना है, और इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगानी है। ये देख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से लास्टिक को खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना आपने, लास्टिक को खींच के बीचों में सिलाई लगानी है बीचों बीच। ये देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ये तैयार हो गया है प्लाज़ो। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने प्लाज़ो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड प्लाज़ो बन के तैयार हो गया है। मैं आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।
गुड बाय गाइज़।